हाय साथियों, गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों बाद अपने चैनल टेक्निकल कंपटीशन ब्रेस पे मैं रवि प्रकाश आप लोगों के बीच एक न्यूज लेकर आया हूँ। न्यूज क्या है, यह बहुत बड़ी खुशखबरी है रेलवे के बच्चों के लिए। एग्ज़ाम हुआ था 2019 वैकेंसी आया था 2019 में, एग्ज़ाम हुआ 2022 में। 2022 में एग्ज़ाम हुआ, अगस्त से अक्टूबर तक एग्ज़ाम इसका चला। और आज है मित्रों आपको 13/12/2022 है, तो 2 महीने में एग्ज़ाम का भी हो गया हुआ है। तो चलिए, छात्र लोग बोल रहे थे सर रिजल्ट कब आएगा, हम लोग भी वेट कर रहे थे रिजल्ट कब आएगा आखिरकार रिटर्न का, क्योंकि आगे पीटी भी है फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट है। तो चलिए, इसी को लेकर ऑफिशियल नोटिस आया है। हमेशा ऑफिशियल नोटिस पे है बिलीव कीजिएगा, फर्जी नोटिस पे नहीं। तो चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है CBT अबव सेंट्रल वाज हेल्ड इन मल्टीपल फेजेज 17 अगस्त से 11 अक्टूबर तक एग्ज़ाम हुआ था। तो अब इसमें क्या कहा है, इसमें बोल रहा है कि आपका जो रिजल्ट है, द रिजल्ट ऑफ CBT फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर PET मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मतलब रनिंग वगैरह करेंटली अंडर द प्रोसेस एंड द रिजल्ट आर टेंटेटिवली शेड्यूल टू बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल वेबसाइट RRB ऑन बिफोर 24 दिसंबर 2022 मतलब 24 को या 24 से पहले आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट कह रहा है कि जो भी एलिजिबिलिटी मतलब कैंडिडेट्स हैं जिनको लग रहा है कि हमारा PET क्लियर हो जाएगा, सॉरी ये रिटन क्लियर हो जाएगा PET में मैं रनिंग कर सकता हूँ, तो वो आप लोग उनको एडवाइस दिया है RRB वाले मतलब रेलवे वाले ने कि आप लोग शुरू कर दीजिए। और नीचे 4 पॉइंट में है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिफर ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट नॉट गेट मिसलेड बाय अंडर ऑथराइज्ड सोर्सेज। तो ये आपका आज का डेट है 13/12/2022 चेयरपर्सन रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। तो चलिए साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अपना SSC GD जो जिस भी दोस्तों ने फॉर्म भरे हैं, आप लोग का भी एग्ज़ाम आपको 10 जनवरी 2023 से शुरू है, तो आप लोग तैयारी कीजिए। इस बार 80 क्वेश्चन रहेगा, 60 मिनट रहेगा, और वही आपको GA है, हिंदी है, मैथ है, रीजनिंग है। तो आप लोग तैयारी कीजिए। अपने यही चैनल पर लगभग बहुत सारा वीडियो है जिसमें आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराया गया है, तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यदि आप लोग चाहते हैं क्लास फिर से शुरू किया जाए तो मैं डालूँगा, पब्लिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।